नमस्कार दोस्तों। तो आभास पॉडकास्ट के इस सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलाते हैं एक यंग डायनेमिक बायलिंगुअल स्क्रीन राइटर से, जो पिछले कई सालों से स्क्रीन राइटिंग कर रहे हैं। इन्होंने टीवी पर, ओटीटी पर की दुनिया में, यानी कि जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स पर इन्होंने बहुत सारे वेब सीरीज लिखे हैं, टीवी सीरियल्स लिखे हैं, और इन्होंने, जैसे कि मैं कह रही हूँ, अपने पांव जमा लिए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने 500+ आवर्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग की है। और वागले की दुनिया नाम का एक सीरियल आया करता था कुछ समय पहले ही। वागले की दुनिया, नई पीढ़ी, नए किस्से, इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है 2022 में, जो कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन राइटिंग, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया है। ये एक ऐसे स्क्रीन राइटर हैं जो एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और विविड इमेजिनेशन इनको सबसे अलग बनाती है। और एक बात जो इस पीढ़ी के प्रोफेशनल्स में नहीं देखी जाती है, वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इनको सबसे अलग बनाती है, क्योंकि जो इनकी स्टोरीज होती हैं, जिस तरह से ये लिखते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, उससे पता चलता है कि बहुत सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग है। लोगों की मुश्किलें देखकर, उनकी कहानी सुन के, उनका दर्द सुनकर, सोशल इश्यूज देखकर इन्हें दर्द होता है। इन इन में जो इमोशंस हैं, वो इनकी राइटिंग में उभर कर आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये अपने दिल और दिमाग दोनों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बैलेंस तरीके से, क्योंकि इनमें एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो पीछे कुछ समय पहले मैंने इनकी एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो भी देखा था। तो सोचिए कितनी फ्लेक्सिबल अप्रोच है, कितनी वर्सिटाइल पर्सनैलिटी है, और कितने सेंसिटिव ह्यूमन बींग है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं संभव खेतरपाल से। तो संभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, और ये हमारे पॉडकास्ट का एक सेकेंड एपिसोड है। एंड यू बीइंग द स्क्रीन राइटर, ये लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा आपकी बातें जानना, किस तरह से आप काम करते हैं और किस तरह से आपका करियर प्रोग्रेशन हुआ, और द थिंग्स विच लेड यू टू बिकम अ स्क्रीन राइटर। बिकॉज यू हैव बीन अ राइटर, आई नो। आप पहले स्पोर्ट्स क्रीड़ा के लिए लिखते थे, आपने एक बुक भी लिखी है, बट स्क्रीन राइटिंग आज के जनरेशन के लिए एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, और लोगों को अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे बुलाया है शो पे और इट्स एन ऑनर फॉर मी। और हमारी बात काफी समय से ड्यू थी, तो चलो आज हम ऐसे पॉडकास्ट पे बात कर लेंगे तो मजा आएगा। तो बिल्कुल दीदी, डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट एंड तो आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूट। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि व्हाट लेड यू टू स्क्रीन राइटिंग, किस वजह से आपने ये इस चीज को चुना है, इस करियर ऑप्शन को चूज किया है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? सी स्क्रीन राइटिंग मेरे लिए बहुत ही एक्सीडेंटल था। ऑनेस्टली मेरा कोई दूर दूर से कनेक्शन नहीं था स्क्रीन राइटिंग से, और मुझे पता भी नहीं था क्या होती है स्क्रीन राइटिंग। क्योंकि जो मेरी एजुकेशन थी, जो एक बहुत ही रेगुलर इंडियन मेल की एजुकेशन होती है, जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, फिर MBA करना, तो मैंने तो वो पढ़ाई की थी। और उसके साथ साथ राइटिंग का ज़रूर शौक था मुझे, और उस शौक की वजह से मैं लिखता था। जैसे आपने मेंशन किया कि मैं स्पोर्ट्स क्रीड़ा के लिए लिखता था, तो मुझे ये पता था कि स्पोर्ट्स राइटिंग होती है। जैसे हर्षा भुगले का बहुत बड़ा फैन था, तो स्पोर्ट्स राइटिंग की मैंने, और आर्टिकल्स लिखता था उन सब के लिए, उन वेबसाइट्स के लिए। पर जब मैं अपने एक समय पे, जब मैंने अपने MBA के जॉब के बाद वो छोड़ के राइटिंग करने का फैसला किया, तो मैंने एक लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मैं MBA की जॉब नहीं करूंगा और मैं एक स्पोर्ट्स क्रीड़ा जाके फुल टाइम क्रिकेट राइटिंग करूंगा। वो जब ट्रांजिशन लिया, तो उस दौरान बेसिकली मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी बैंगलोर में स्क्रीन राइटिंग।
एक टीचर है सत्यांशु सिंह करके, जिन्होंने कुछ मूवीज लिखी हैं, चिंटू का बर्थडे एंड एक दो मूवीज और भी हैं, वो AIB के साथ बहुत लिखते थे, तो उनकी वर्कशॉप अटेंड की, तो तब मुझे स्क्रीन राइटिंग के बारे में पता चला था। पैरेलली मुझे फिक्शन राइटिंग का शौक भी चढ़ गया, तो मैं फिक्शन राइटिंग करता था। जैसे मैंने अपनी पहली बुक एक फिक्शनल स्टोरी लिखी थी, उससे पहले मैं नॉन फिक्शन राइटिंग, तो ये दोनों चीजें चल रही थी उसी दौरान। बेसिकली स्टार टीवी ने एक टैलेंट हंट शुरू किया था, जिसका नाम था स्टार राइटर्स प्रोग्राम। तो टैलेंट हंट में दे वांटेड टू सेलेक्ट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड ब्रिंग देम स्टार के अंदर, और स्टार में लाके उन्हें ट्रेन करना चाहते थे, और ट्रेन करके दे वांटेड टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इन फ्रेश वॉइसेस इन इंडियन टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन शोज की जिस तरह से राइटिंग हो रही थी और जो हम देख रहे थे वो बहुत ही एक तरह से रिपेटेटिव हो गया था। सो दे वांटेड न्यू पीपल, सो आई अप्लाई टू दैट प्रोग्राम। मैंने कुछ फ्रेंड्स से टिप्स भी लिए जो ऑलरेडी स्क्रीन राइटिंग कर रहे थे, उनसे सीखा स्ट्रक्चर क्या होता है, कहानी कैसे लिखते हैं, एंड मैंने सैम्पल डायलॉग ड्राफ्ट, सो दो एक फादर डॉटर कन्वर्जेशन एक सीन लिखना था उनके, वो मैंने उसका एक डायलॉग ड्राफ्ट लिख के भेजा, और एक के बाद एक वो सिलेक्ट हो गया, और फिर मेरा अगला राउंड भी क्लियर हो गया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू स्टार, जहां पे मुझे ट्रेनिंग मिली इस फील्ड के बारे में, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो स्क्रीन राइटिंग और स्टोरी राइटिंग में क्या डिफरेंस है, आप अपने व्यूअर्स को बताएं? पहले तो नाम से ही हम जब देखते हैं तो स्क्रीन राइटिंग स्पेसिफिकली स्क्रीन के लिए, तो जो आप टीवी शोज, वेब सीरीज, फिल्म्स देखते हो, वो आपकी स्क्रीन राइटिंग कहलाती है। ओके नाउ वो स्क्रीन राइटिंग एक पूरा एक एरिया है, एक पूरा फील्ड है, जिसके अंदर स्टोरी भी आता है, स्क्रीन प्ले भी आता है, डायलॉग्स भी आता है। तो बट उसके अंदर स्टोरी राइटिंग पार्ट है, जहाँ पे हम एक स्टोरी राइटिंग की बात करते हैं। स्टोरी तो किसी भी स्टोरी राइटिंग, किसी भी एरिया में स्टोरी राइटिंग हो सकती है, चाहे वो एक बुक की स्टोरी राइटिंग हो, वो एक किसी और इवन वीडियो गेम्स की भी आजकल स्टोरीज होती हैं, उसकी स्टोरी राइटिंग हो। सो वो स्टोरी तो कहीं भी एरिया में, किसी भी फील्ड में हो सकती है, एक पॉडकास्ट की, वीडियो की, इवन वीडियो को भी एक स्क्रीन राइटिंग का पार्ट ही मानूंगा अगर हम एक यूट्यूब स्किट की बात कर रहे हैं। बट स्क्रीन राइटिंग इज द ब्रॉडर अम्ब्रेला, एंड उसके अंदर आपकी स्टोरी राइटिंग एक होती। सो इफ आई टू से, स्क्रीन राइटिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। और अगर मैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँ तो स्टोरी होती है कि एक एक राजा का एक महल था, उस महल के अंदर सिपाही आए, राजा पे हमला किया और राजा को मार के चले गए, ये कहानी है, राइट। बट अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो राजा अपने बिस्तर पे सो रहा था, रात दरवाजे पे खटखट हुई, आवाज आई, वो उठा, बाहर निकला, दरवाजा खोला, एक सिपाही ने खंजर निकाला और खंजर उसके सीने पे भोंक दिया और राजा मर। ये पटकथा है, ये टेलिंग ऑफ द स्टोरी, प्ले आउट कैसे होगा उसका, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ऑफ कोर्स, जो उनके बीच में जो कन्वर्जेशन हुई, जो बिल्कुल बातें हुई, इज मोर सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये तीनों चीजें मिला के एक तरह की एक स्क्रीन स्क्रीन प्ले बनाता है, और एक स्क्रिप्ट राइटिंग इसको बोलते हैं, स्क्रीन राइटिंग इसको बोलते हैं। सो ये है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप कहानियों को जीवंत करते हैं, उन्हें अलाइव करते हैं, है ना, उन्हें शब्द देते यस हैं। क्योंकि यस मुझे लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल लव टू हेयर स्टोरीज, वी ऑल लव टू टेल स्टोरीज। सो ये जो करियर है, या ये जो ऑप्शन है करियर का, ये जो काम है, ये कभी भी पुराना नहीं होगा, क्योंकि कहानियां तो कब से चलती आ रही हैं, सिंस टाइम्स इमेमोरियल। तो आई थिंक दिस वुड नेवर ग्रो ओल्ड। लेकिन जो AI आ रहा है अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, तो क्या उसके आने से इस काम पे असर पड़ेगा? मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये इनफैक्ट राइटर्स को हेल्प ही करेगा। सी, मेरे हिसाब से कहानी के दो पहलू होते हैं, एक होता है आर्ट, एक होता है क्राफ्ट। किसी भी आर्ट के दो पहलू होते हैं, राइट। जहां तक क्राफ्ट की बात है, क्राफ्ट इज द टेक्निकलिटीज ऑफ राइटिंग, लाइक कहानी का स्टार्ट कैसा हो, मिडिल कैसा हो, एंड कैसा हो। ये ऐसी स्किल है जो आप सीख सकते हो किसी किताब से, या ट्रेनिंग लेके, या कहीं ना कहीं AI भी हेल्प कर। सेकेंड चीज है आर्ट, वो आपकी पर्सनल होती है।
एआई एक बहुत ही जनरलाइज्ड टूल है, वो एक अच्छा जनरलाइज्ड असिस्टेंट है जो जो जिसका जिसके जो खुद का दिमाग है वो खुद का नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। बट आर्ट जो है, एक आर्टिस्ट की अपनी एक पर्सनल जब स्टोरी होती है, एक उसकी यूनिक वॉइस को स्टैंड आउट करवाती है। सो ऑथेंटिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू एआई। एआई कैन नेवर बी ऑथेंटिक बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वॉइस ऑफ इट्स ओन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइसेस विच इज टेकिंग फ्रॉम द इंटरनेट। सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट जनरलाइज कहानियां जरूर बोल देगा, देखी देखी सुनी सुनाई कहानियों का एक कॉम्बिनेशन बना के जरूर दिखा देगा एआई, बट असली रियल कहानियां एआई कभी नहीं बोल पाएगा। तो बहुत एवरेज राइटर्स या बहुत ही जनरलाइज राइटिंग करनी है तो ठीक है, बट स्टैंड आउट राइटिंग करनी है तो एआई काम नहीं आएगा। दैट इज माय ओपिनियन। तो जब आपने स्क्रीन राइटिंग करने का सोचा, तो आपकी तरह अगर और कोई भी इस प्रोफेशन में आना चाहे, इस ऑप्शन को चुनना चाहे, तो क्या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं कोई ज्वाइन कर सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट इस पे मैंने भी बहुत सोचा है। मेरी तो कोई डिग्री नहीं है इस पे, मतलब मेरी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, मैं इंजीनियर और एमबीए हूँ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है स्क्रीन राइटिंग से। तो और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आसपास जिनके पास ऐसी कोई डिग्रीज नहीं है, जो स्क्रीन राइटिंग कर रहे हैं। कोई आईआईटी से आया है, कोई आर्ट से आया है, कोई जर्नलिज्म से आया है। कुछ करियर पाथ्स हैं जो ऑर्गेनिकली इस करियर की तरफ बढ़ा सकते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ा है तो उसमें फिर यू कैन ऑल्सो ब्रांच आउट इनटू स्क्रीन राइटिंग। सो पीपल हु स्टडी इन सम फॉर्म आर्ट्स पढ़ते हैं या जर्नलिज्म पढ़ते हैं, उनके लिए फिर भी एक कुछ ऐसी एजुकेशन मिल जाती है जो करिकुलम का पार्ट होती है शायद स्क्रीन राइटिंग, जितना मैंने सुना है। तो एक वो ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक यू नीड एनी स्किल। यू जस्ट नीड टू हैव दैट पैशन टू टेल अ स्टोरी, क्योंकि कहानी आप कहना चाहते हो तो फिर उसकी कहने का तरीके सीखने के बहुत तरीके हैं। वो आप फिल्म देख के भी सीख सकते हो, वो आप स्क्रिप्ट पढ़ के भी सीख सकते हो। तो आज इंटरनेट पे जाओगे तो आपको कितनी मूवीज की स्क्रिप्ट मिल जाती, वो एक अलग एक्सपीरियंस है कि आप आज एक लापता लेडीज की स्क्रिप्ट पढ़ो जाओ, तो यू लर्न, देन वो देख के आपको लगेगा यार ये सीन मैं लिखता तो कैसे लिखता। तो उस तरीके से एक माइंडसेट जारी करना, जहां तक मेरी बात है, मैं स्टार में उस समय मैंने ज्वाइन किया था जब वो एक प्रोग्राम ऐसा करा रहे थे जहां पे स्क्रीन राइटिंग सीख सकते थे आप 6 महीने के लिए, एक टीचर आए थे एलए से। बट वो आज भी बताऊंगा वो सब स्किल्स मेरे किसी काम नहीं है, किसी काम नहीं है। वो बस एक जार्गन चल गए पता, एक आइडिया हो गया, बट करके ही आता है। पर जब मैंने एक्चुअली काम किया, किसी को असिस्ट किया, किसी बड़े राइटर के अंडर काम किया, तो जाके मैंने उसका क्राफ्ट समझा कि कैसे सीन्स को कैसे कट करते हैं, किस पॉइंट पे सीन शुरू करते हैं, इंटर कटिंग कैसे होती है, मैच कट। तो बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं जो आप करके ही सीखते हो। तो आई थिंक पैशन है, अप्रोच करो। अगर आपके अंदर एक यूनिक वॉइस है और एक जस्ट एक एक क्या बोलूँ, एक सेंसिबिलिटी है टू राइट, तो आपको कोई ना कोई ऐसा मेंटर जरूर मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे ठीक से, जो आपको स्क्रीन राइटिंग आपको अपने अंडर काम करा के सिखा सकते। एंड बट ग्राइंड बहुत और मिलेगा। इसमें मुझे लगता है लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, द जी लैंग्वेज इन विच यू सी आर सी राइटिंग. या यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री जिसके लिए मैं लिखता हूँ, सो वी राइट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। हमारे यहाँ रोमन हिंदी भी चलती है, हिंदी इज लाइक मेरा नाम संभव है, MER, पर मैं देवनागरी में भी लिखता हूँ। तो इनफैक्ट मैं देवनागरी में नहीं लिखता था बहुत समय, बट यहाँ पे आके मैंने देवनागरी पे लिखना दोबारा सीखा, दोबारा से उस स्किल डेवलप किया जो आजकल बहुत यंग क्राउड भूल चुका है कैसे देवनागरी में लिखते थे। ऑफकोर्स मेरे एक इंग्लिश का एक नेचुरल इंक्लिनेशन था लिखने के लिए, मैं क्योंकि स्पोर्ट्स के लिखता था। यहाँ पे आके मैंने एक्चुअली प्रॉपरली देवनागरी में लिखना सीखा, बट ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते या अपनी लैंग्वेज स्किल्स बेटर नहीं कर सकते। यू नीड टू जस्ट वॉच और रीड और एजुकेट योर सेल्फ इनफ
कि आप वो कर सको, क्योंकि मैंने बहुत लॉन्ग, मैंने टिल द एज ऑफ 19 आई मुझे पता भी नहीं था कि मैं राइटर बन सकता हूँ. मैं तो कुछ और ही कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था स्किल है मेरे अंदर ना. मेरे स्कूल में बहुत इंग्लिश या हिंदी में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स आते थे, अबव एवरेज थे. आई यूज टू स्कोर 100 में से 80, बट ऐसा मैं कोई टॉपर नहीं था, या टीचर्स डिड नॉट रियली से कि तुम्हारे अंदर राइटिंग का पोटेंशियल. सो इट जस्ट हैपेंड. तो आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी को किसी तरह की डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या ब्लाइंडनेस है या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, तो क्या वो शख्स इस करियर ऑप्शन को चुन पाएगा? मैं बॉम्बे की ही बात करूँ, हमारी इंडस्ट्री की ही बात करूँगा, तो क्योंकि मैं स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, और लास्ट ईयर इनफैक्ट मैं इलेक्शंस के लिए भी खड़ा हुआ था, और ताकि मैं चाह रहा था कि मैं राइटर्स राइट्स पे बात कर सकूँ और बहुत नई चीज़ें ला सकूँ, क्योंकि राइटर्स जितना भी हम बात कर लें इम्पॉर्टेंट हैं, निग्लेक्ट तो होते हैं, आज भी होते हैं, होते आए हैं. और बट जहाँ पर तक डिसेबिलिटी की बात करें हम, मैं खुद ऐसे राइटर से मिला हूँ जो आज शायद शायद वो आज व्हील चेयर पे हैं, और बट येट दे आर एक्चुअली राइटिंग शोज फॉर नेटफ्लिक्स, दे आर राइटिंग शोज फॉर टॉप प्लेटफॉर्म्स. नाउ इन टर्म्स ऑफ वो कर सकते हैं नहीं, ये डिपेंड करेगा आई थिंक किस तरह की डिसेबिलिटी है. व्हेन यू टॉक अबाउट से समबडी हु इज ब्लाइंड, देर आर ऑल्सो राइटर्स फॉर यू. यू कैन भाई, आपके पास एक कहानी है कहने के लिए, बट फॉर यू टू ट्रांसक्रिप्ट इट, यू कैन ऑल्सो फाइंड अ फ्रेंड, अ मेंटर, जो आपके लिए वो एक्चुअली लिख सकता है एक वर्ड डॉक में. आई एम श्योर यू नो इट बेटर इन टर्म्स ऑफ हाउ ब्रेल या के थ्रू हम लिख सकते इवन हैं. सॉफ्टवेयर्स आर देयर विच दे कैन हाँ यूज. हाँ हाँ यस, क्योंकि अगेन कहा, एक यूनिक वॉइस होनी चाहिए सबसे पहली बात, और वो आई थिंक एनी बडी विद डिसेबिलिटी कैन हैव, एनी ह्यूमन बींग विल हैव अ यूनिक. एक कहानी कहने का जज्बा होना चाहिए, फिर तरीके निकल आएंगे, देन वी कैन फाइंड आउट वेज हम कैसे उसको कर सकते हैं. सो एज आई सेड, देयर आर राइटर्स इन मुंबई जो आज अच्छा नाम कमा रहे हैं, दे आर पीपल विद डिसेबिलिटी. इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, सी आई अगेन आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली क्या चैलेंज आता है उनके लिए, बट आई वुड स्टिल से दैट इवेंचुअली दिस इज द ओनली जॉब इन द वर्ल्ड वेयर यू डोंट नीड टू बी एट एन ऑफिस और ऑन योर फीट और एनीथिंग. मतलब राइटिंग ऐसी चीज है ना, बस दिल और दिमाग होना चाहिए सही, और एक कहानी होनी चाहिए और एक अब आवाज होनी चाहिए. लेकिन इंडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है या टीवी चैनल्स हैं या इस तरह का जो भी है, वो सारा कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली मुंबई एरिया में है, तो क्या किसी को रियलोकेट होना इसके लिए जरूरी है या कोई कहीं से भी कर सकता है का? हाउ वुड दे गेट वर्क? तो किसी के लिए भी आज जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि एक स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है, या फिर इवन एक वेबसाइट है उनकी, उसको फॉलो करें. सो लास्ट ईयर स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन हर साल इनफैक्ट एक पिच फेस्ट कराता है. वो पिच फेस्ट होता है 1 साल वेब सीरीज के लिए, 1 साल फिल्म के लिए. तो अगर आपके पास कोई कहानी है, या कोई फिल्म की कहानी है या वेब सीरीज की कहानी है, और आप उसको उस फॉर्मेट में उस तरीके से अपना जो भी कहानी को भेज सकते हैं, उसके बाद SWA वाले आपको मुंबई बुलाते हैं, वहां पे आपके सामने प्रोड्यूसर्स बिठाते हैं. सो एक एक पिचिंग सेशन होता है जहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर्स, 25 से 30 टॉप प्रोड्यूसर्स इंडिया के आते हैं, यू कैन डायरेक्टली मीट देम एंड पिच योर स्टोरीज टू देम. तो हाँ, उसके लिए बॉम्बे जरूर आना पड़ेगा, बट ये नहीं कि बॉम्बे में आके आप धक्के खा रहे हैं, किसके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, यशराज के यहाँ जा रहे हैं, धर्मा के यहाँ जा रहे हैं, या TVF के पास जा रहे हैं, है ना. वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अब थोड़ी थोड़ी सॉल्व हो रही है. ऑल्दो इस पिच फेस्ट को शुरू हुए लगभग 3 या 4 साल ही हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं अब
इंडस्ट्री में। इवन मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी जब स्टार एटेस प्रोग्राम किया था तो भी वो एक नई अपॉर्चुनिटी थी, ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया था उसमें, मतलब ज्यादा लोगों उससे पहले ज्यादा लोगों के पास मौके नहीं होते थे जितना मौका, जो मौका मुझे मिला। तो ये एक तरीका है जहाँ पे आप कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। बस वेबसाइट पे ध्यान रखे फॉलो करें, और अगर आप टॉप लिस्ट होते हैं, टॉप 50 में या टॉप 25 में, देन बॉम्बे आके आपको पिच करने का मौका मिलेगा। ये एक तरीका है। सेकंड तरीका है कि आप, एक सच बात बताऊं अगर आपको, तो कहानियों की बहुत कमी है हमारे इंडस्ट्री में, अच्छी कहानियों, वही 15, 20 या 100, 200 लोग जो है मुंबई में बैठे, वही हर तरह की कहानियां बोल रहे हैं, पिच कर रहे हैं, जिनके पास एक्सेस है, कॉन्टेक्ट, और वर्क नहीं कर रही। आप पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री भी इतना ग्रो नहीं करी है जितनी होनी चाहिए। तो सबके पैसे भी लगते हैं, डूबते भी हैं, क्योंकि दीज आर बिग, मतलब करोड़, मल्टी करोड़ में इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी फिल्म का, या इवन वेब सीरीज का भी बजट 15-20 करोड़ होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों को एक अच्छी यूनिक कहानियों की जरूरत है। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ अ फिल्म लाइक लापता लेडीज। आई डोंट नो आपको कहानी पता है कि नहीं पता कि लापता लेडीज की स्क्रिप्ट आमिर खान के पास कहाँ से आई थी। सो so, 2018 में, 2018 में आमिर खान ने एक स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन किया था जिसका नाम था सिनेस्तान स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन। उसमें जो पर्सन सेकंड आया था उसकी स्क्रिप्ट का नाम था टू ब्राइड्स, राइट? वो टू ब्राइड्स जो स्क्रिप्ट थी वो आमिर खान को बहुत पसंद आई थी, एंड ही वांटेड टू मेक इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बिप्लब गोस्वामी नाम है जिनकी वो स्क्रिप्ट थी। नाउ आई डोंट नो बिप्लब ने क्या किया है, मैं जानता भी नहीं उन्होंने क्या किया, ना वो कोई शायद फेमस नाम है या कुछ है, शायद एक नॉर्मल रेगुलर राइटर ही थे। पर वो स्क्रिप्ट 2023-24 में टू ब्राइड्स बन गई लापता लेडीज, और वो आज इतनी, इतना मतलब हम सब ने, हम सबको पता है कि टू मतलब लापता लेडीज कितनी हिट हुई है एज अ फिल्म। सो ये थोड़ा, बस थोड़ा सा अपनी आईज एंड ईयर्स ओपन रखने पड़ेंगे हमें, मेटाफोरिकली हर तरीके से, और थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। एंड वंस वी आर अवेयर देन मौके हैं, और आज के जमाने में ऐसे मौके हैं जहाँ पे आपको तब तैयार रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको राइटर बनना है, सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा सब कुछ छोड़ के राइटर मत बनो, बिल्कुल भी मत बनो। हैव अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल मीन्स उतने नहीं सर्वाइव करने के लिए है, कहीं भी आप चाहे बॉम्बे आए या ना आए, हैव अ रेगुलर जॉब, हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। पैरेलली अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट्स या अपनी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट्स लिखते रहिए। मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि आई कांट डिपेंड जस्ट ऑन टेलीविजन राइटिंग फॉर माय सोर्स ऑफ मनी एंड बिल्स। फिर जब ऐसा कोई मौका आता है, जैसे कोई पिच फेस्ट है, कोई कंपटीशन है, उसमें अपनी कहानी भेजिए। ठीक है, अच्छा वो प्रोसेस भी जब आप लिख भी रहे हैं तब भी उसको रिफाइन कीजिए, उसको फ्रेंड्स को सुनाइए, जस्ट जस्ट कीप इम्प्रूविंग इट, बट डोंट चेज क्विक सक्सेस, क्विक मनी, क्योंकि वो तो यहाँ किसी को नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और एक अलग तरह का ड्राइव होना बहुत जरूरी है कि मुझे मुझे कहानी कहनी है, क्योंकि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज रजिस्टर योर स्क्रिप्ट विद द स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे देन उसको कोई प्रोड्यूसर को भेजने से पहले वो सेफ हो जाएगी, क्योंकि कोई उसको चोरी नहीं कर सकता या उसको क्लेम नहीं उठा के अडॉप्ट नहीं कर सकता। आप ऑलवेज बोल सकते हो कि हमने पहले लिखा था। तो ऑलवेज राइट अ स्क्रिप्ट, कीप इट रजिस्टर्ड, एंड देन प्रोड्यूसर्स के आपको ईमेल आईडीज, लिंक्डइन वगैरह यहाँ भी मिल जाएंगे, या कोई सीनियर राइटर मिल जाएगा, उसको भी आप भेज सकते हो रजिस्टर करने के बाद। ये सब नहीं हो पा रहा, देन ये कॉम्पिटिशन्स हैं ऐसे जहाँ पे आप भेज सकते, बट इसको अपना प्राइमरी रोजी रोटी मत बनाइए। और ये मैं आपको टीवी और फिल्म की बात कर रहा हूँ, टेलीविजन अपने आप में एक अलग पूरी दुनिया है जिसमें मैं काम करता हूँ, वो वहां पे उसकी बात कर सकता हूँ टेलीविजन की, बिल्कुल 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 क्योंकि टेलीविजन बहुत कम लोग लिखना चाहते हैं आज के जमाने में, जस्ट बिकॉज इतना कूल नहीं है टीवी, एंड अंडरस्टैंडेबली सो ऑल्सो। बट द रीजन व्हाई आई हैव रिटन टीवी इज दैट
इट्स अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, इट्स लाइक इट्स कॉन्स्टेंट मनी, राइट, एंड घर चलाना है। मेरा कोई सपना नहीं है कि मैं ये टीवी शो लिखना था मुझे बचपन से। सबका सपना होता है हमारी शायद फिल्म बने बड़ी इस थिएटर में आए, बट वी ऑल डू इट बिकॉज एक वी नीड टू ऑल्सो रन आवर हाउसेस। सो टेलीविजन एज अ मीडियम एंड व्हेन व्हेन आई स्पेशली टॉक अबाउट पीपल विद एनी डिसेबिलिटी, डेफिनेटली दे कैन डू इट। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे कुछ बेसिक स्किल सेट्स होते हैं, जैसे एक इट्स अ वेरी डेडलाइन ओरिएंटेड मीडिया, तो बहुत फास्ट टर्न अराउंड टाइम्स होते हैं, आपको डेडलाइंस मीट करनी पड़ती है, आपको जल्दी सोचना पड़ता है। टीवी में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, जितना आप टेलीविजन शो देखेंगे इवेंचुअली आफ्टर ऑल एवरी टीवी शो राइटिंग इज इन अ वे सिमिलर, कुछ चेंजेस होते हैं बट कहानी के जो ट्रोप्स हैं, जो बातें हैं, वो मोस्टली सेम होती है। एक बार आप वो सीख गए, चाहे वो किसी सीनियर राइटर को असिस्ट करके, उनके साथ काम करके, देन आप इफ यू हैव डिसेबिलिटी और यू डोंट हैव डिसेबिलिटी, द ओनली क्वेश्चन इज कैन यू डिलीवर ऑन टाइम, कैन आर यू डू यू हैव दैट टीवी माइंडसेट टू राइट ऑल्सो, बिकॉज टीवी माइंडसेट अलग होता है लिखने। यू आर नॉट क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, शायद आपका व्यूअर शायद आपकी मेड है, या आपका व्यूअर आपका घर का ड्राइवर है, राइट? क्या, और मैं इसको किसी किसी सॉर्ट ऑफ डिमीनिंग वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहा हूँ कि वो एक जो भारत है बेसिकली हमारे देश का, आप उनके लिए बना रहे हो टेलीविजन, राइट? हम शायद इंडिया में रहते हैं, पर अगर आप भारत से आते हो तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मास इंडियन ऑडियंस से रिलेट कर सकते। तो वो बहुत जरूरी है कि आप भारत से कितना रिलेट कर पाए, और मुझे लगता है कि टेलीविजन राइटर और पॉलिटिशियन होना सेम है। और एक मेरे सीनियर ने भी बात बोली थी कि दोनों कैसे? एक एक मासी मासी ऑडियंस को केटर करते हैं, जिनकी थोड़ी शायद टेलिंग थोड़ी लाउड होती है कंपेयर टू अदर शोज, अदर मीडियम्स। सो इफ यू कैन डू इट, डेफिनेटली आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ एनी डिसेबिलिटी और एंड टीवी नॉट। राइटिंग, आई थिंक इट रीचेस एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, सब यस यस सी द सब तक ब्यूटीफुल, पहुंचता है. या यस इट इज मोस्ट इजली ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल भी है, और इट डायरेक्टली, पीपल कैन डायरेक्टली रिलेट टू द स्टोरीज. अगर आप स्मॉलर टाउन्स की बात करें या विलेजेस की बात करें, पीपल रिलेट टू देम. और आपने जो ये स्क्रीन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो बात बताई है, बहुत ही अच्छी जानकारी थी. इसका अगर आप मुझे लिंक भेज दें तो मैं अपने वीडियो के एंड में जरूर इसे डाल दूंगी, कि अगर किसी को जरूरत पड़े डेफिनेटली तो वो वहां पर हो पाए. तो डेफिनेटली संभव, हमें पता है कि आपको 2022 में अवार्ड मिला था, बेस्ट स्टोरी का, बेस्ट स्क्रीन प्ले का. थोड़ा उसके बारे में बताएं, और किस सीरीज के लिए मिला था वो भी बताएं. सो सब टीवी पे एक शो आता है वागले की दुनिया, रात को 9 बजे, जो एक्चुअली वागले की दुनिया 1890 में उसका फर्स्ट सीजन आया था, जो एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज था, जो आर के लक्ष्मण जी ने द कॉमन इंडियन मैन जी कैरेक्टर पे बनाया था, जिसमें अंजन श्रीवास्तव ने जी वागले जी का रोल किया था। एंड इनफैक्ट उस शो में शाहरुख खान का भी एक कैमियो था, बिफोर शाहरुख खान के हम शाहरुख खान, तो उसके तो आई थिंक 19-20 एपिसोड आए थे और दूरदर्शन पे आके वो खत्म हो गया था शो। बट बाद में कुछ सालों बाद वो शो एक ऐसा कल्ट शो बन गया ना, कि बहुत लोगों ने उसकी बात की और उसकी चर्चा हुई। बट सालों बाद बेसिकली हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस की, उन्होंने शो के राइट्स लिए दोबारा उन मेकर्स से, और वो राइट्स लेके उन्होंने कहा कि हम इस शो को दोबारा बनाएंगे और एक उसका सीजन 2 बनाएंगे, जहाँ पे एक नई जेनरेशन होगी और वो सेम वागलेस जो तब थे वो अब सीनियर्स हो जाएंगे और उनके बच्चों की कहानी होगी। तो देर विल बी अ सन, फिर उनके बच्चों की कहानी, तो देर विल टू डिफरेंट जेनरेशंस इन दैट शो। सो फॉर्चुनेटली कोविड के समय ये शो शुरू हुआ था, जहाँ पे लोगों का वैसे ही थोड़ा मोरल डाउन था, और लोग तो एक बहुत ही पॉजिटिव शो और बहुत ही होप गिविंग शो, रादर देन गिविंग मतलब लाउड ड्रामाज और धूम तनाना ना, वैसा वाला इशू बिल्कुल नहीं था।
इसकी टेलिंग थोड़ी सॉफ्ट थी, रियल थी, रिलेटेबल थी कि हम सब आप और मैं घर पे बैठ के हम रिलेट कर सकें, उतने छोटे छोटे हम किस्से लेते थे। तो वो शो जब शुरू हुआ तो मुझे सो मैंने उनके प्रोड्यूसर को मैसेज किया था फेसबुक पे, बेसिकली आतिश कपाड़िया सर, जो काफी फेमस राइटर है, जिन्होंने मूवीज जैसे वक्त, जोश, ये सब मूवीज उन्होंने लिखी हैं सर, इज अ लेजेंड इन दिस इंडस्ट्री। तो उनको मैंने मैसेज किया था और अपना छोटा सा प्रोफाइल दे दिया था कि मैंने ये सर किया है ना, एंड ही सेड कि आ जाओ, मतलब टेल अ स्टोरी, कहानी भेजो अपनी, अच्छी लगी तो तुम्हें हम लिखवाएंगे। तो मैंने जब कहानी भेजी तो उनको अच्छी लगी, तो बट इमिडिएटली फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक कहानी तो आप सैंपल भेजते हो, पहली कहानी आपकी बन नहीं जाती, मतलब उनको एपिसोड की कहानी भेजी थी, इस एपिसोड में ये हो सकता है। उन्होंने फिर मैंने एक और कहानी भेजी, फिर एक और भेजी, तो कर करके आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ कहानी जो मैंने भेजी थी उनको, वो फाइनली अप्रूव हुई और वो मेरा पहला एपिसोड बन के आया वागले की दुनिया में। तो आई वॉज अ रियल आउटसाइडर इन दैट शो, मुझे ना वो प्रोड्यूसर जानते थे ना कोई लोग जानता था उसमें से, और वो शो फिर मैंने जो पहली कहानी अच्छी हुई, फिर ऐसे करते करते मैंने काफी कहानियां लिखी, और कुछ कहानियां फिर इतनी अच्छी गई, इतनी पॉपुलर हो गई कि उनको अवार्ड भी मिला। सो 2022 में ये जो अवार्ड हुए थे, और एंड द रीजन व्हाई दे गॉट अवार्ड इज कि हमने कुछ बहुत ही सोशली रेलिवेंट कहानियां बोली थी, कुछ तो मालूम आपको भी मालूम है, है बट जैसे कहानी हमने गुड टच बैड टच पे बोली थी 9 बजे टेलीविजन पे, और आप जैसे आप बोल रहे हो कि हम टीवी टीवी जहां जहां तक पहुंचता है, इतने कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में पहुंचता है, तो वैसी कहानी ने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो हाँ, मुझे ट्विटर याद है पे ट्रेंड हिट। एक एपिसोड बुलिंग पर भी था। बुलिंग यस पर बहुत यस अच्छा एपिसोड था वो, और यस यस इंक्लूजन पर था। तो इस तरह से सोशल यस इश्यूज आपने उठाए और किस तरह से उनको यस प्रेजेंट किया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है वो यस चीज़। तो वो बहुत अच्छा यस लगा। सो या और इसके अलावा आपने अभी रिसेंटली एक अनुपम खेर जी के साथ भी काम किया है रिसेंटली। हाँ। तो मैंने एक एक डॉक्यूमेंट्री बेसिकली लिखी थी जिसका नाम था लाल किले से गूंज, जो बेसिकली 15 अगस्त की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस रही हैं, उन स्पीचेस के थ्रू भारत की कहानी की एक जर्नी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू मनमोहन सॉरी टू नरेंद्र मोदी। तो वो डॉक्यूमेंट्री मुझे लिखने का मौका मिला था, और ये 2023 में आई थी, और वो डॉक्यूमेंट्री जी, तो अनुपम खेर उन्होंने को होस्ट किया था, तो वो बहुत बड़ी बात थी कि जो आपके लिखे वर्ड्स हैं वो अनुपम खेर बोल रहे हैं, बिकॉज अगेन ही इज अ लेजेंड, तो वो कमाल का मौका था। सो या दैट्स ऑल्सो बीन रिटन बाय मी। या दैट्स ग्रेट। तो आप जो नई पीढ़ी है, जो जनरेशन है, आगे आ रहे हैं लोग, जो करियर एक्सप्लोरेशन की स्टेज पे हैं या कोई भी है, तो आपने एक मैसेज तो ये दिया कि राइटिंग को अपना प्राइमरी जो करियर है वो मत बनाओ, उसके अलावा साथ साथ कुछ और करते रहो, राइट? और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उतनी सेंसिटिव नहीं है जितने आप हैं, आपको देखकर पता चलता है। क्योंकि जो लोगों के दर्द हैं वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स जब आप देखते हैं आपको डिस्टर्ब करते हैं वो, एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल। आपका पर्सनैलिटी का एक ये साइड है जो इमोशनल है, सेंसिटिव है, और आपकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा साइड है जो मैंने समझा है कि आप में बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। यू आर वेरी विटी। तो क्योंकि मैंने आपका एक स्टैंड अप वाला भी पीछे एक देखा था प्रोग्राम, तो कैसे बैलेंस करते हैं, या ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, या ये बाय प्रैक्टिस आया, ये कैसा है? हाँ, सी ये एक माइंडसेट है, वुड से इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि ट्रेजेडी को कॉमेडी में बदल देना एक इज समथिंग विच इज ऑल्सो कोपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत ये जो मेरे शायद फादर भी करते हैं, मुझे मालूम होगा, या फिर हम ये शायद हमारी फैमिली का एक वो है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, हर तरीके की आती हैं, अब क्या आप उनको बैठ के रोते रहोगे, या फिर उसी को एक ह्यूमर में कन्वर्ट करके आप कुछ बात ऐसी बोलोगे जो पॉइंट भी कन्वे कर देगी बट
हंसा भी देगी लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ये राजकुमार हिरानी की मूवीज का, जैसे मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, ये सब भी यही लोग करते हैं, यही करते हैं। तो वो मुझे एक चीज काफी मतलब हेल्प करती है चीजों को देखने में। मैंने इनफैक्ट एक बुक भी लिखी हुई है, आई टू हैड एन एमबीए, जो मेरी जो एक सटायर है एमबीए एजुकेशन पे। तो जो मेरे साथ ऊटपटांग चीजें या फनी चीजें हुई थी एमबीए वर्ल्ड में, उसको मैंने एक फनी वे में बुक में लिख दिया। तो यही है, मतलब एक एक यूनिक सोच होना जरूरी है, चीजों को थोड़ा लाइफ को लेस सीरियसली लेना भी जरूरी है। मेरे लिए वो ह्यूमर का पार्ट है। सेकेंडली, आपने बोला सेंसिटिविटी, यस। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा एक सैड पार्ट है कि राइटर्स हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, बट जब वो बॉम्बे आते हैं तो एज अ राइटर तो यू नीड टू बी सेंसिटिव, बट टू डील विद सिटी लाइक मुंबई यू नीड टू हैव अ थिक स्किन, यू हैव टू हैव अ स्किन ऑफ मेटल। तो सी बेसिकली एक राइटर होना मेरे लिए, मुझे लगता है एक बहुत ही एक यूनिक स्किल सेट होना बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि एक तरफ तो जब लिखते हो तो आपको सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, आपको लोगों का दर्द, दुनिया का दर्द सहना, फील करना और एम्पथेटिकली देख के उसे पेपर पे उतारना आना चाहिए। बट सेकेंडली, जब जहाँ तक बॉम्बे जैसे शहर में आके इस जहाँ पे कंपटीशन से डील करने की बात है या करियर बनाने की बात है, तो वो एक वहाँ पे आपको एक बहुत ही हार्ड स्किन चाहिए, थिक स्किन चाहिए। यू ऑलमोस्ट नीड टू लाइक हैव अ मेटल लाइक का शरीर, लाइक की, क्योंकि तब आसान नहीं। तो ये थिंक राइटर्स एक एक डायकोटमी और एक सॉर्ट ऑफ एक उसमें झूलते रहते हैं, क्योंकि लिखते समय जितना आपको सेंसिटिव होना पड़ता है, शायद जो फीडबैक आता है आप या कोई आपके कंटेंट को बकवास बोलता है, तो उसको सहने के लिए एक बहुत ही थिक स्किन होना भी जरूरी। सो इट्स अ वेरी ऐसा एक एक इस तरह का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है मेरे मेरे हिसाब से। तभी आसान नहीं है राइटर, पहले तो आई थिंक एक बात को एक्सेप्ट कर लेना कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा या जल्दी हो जाएंगी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं। मैंने भी थोड़ा सपोजिटली शायद एक कुछ रिकॉग्निशन अचीव किया, बट दैट डज नॉट मीन कि मेरी लाइफ कोई बहुत बेड ऑफ रोजेस है या इजी हो गई है। इनफैक्ट, यू आर एज गुड एज योर लास्ट स्क्रिप्ट, नोबडी केयर्स इफ आई वन एनीथिंग 1 or 2 years अगो, इट्स अबाउट वॉट आई ब्रिंग ऑन द टेबल टूडे। इट्स लाइक अ क्रिकेट आईपीएल में, जैसे कि कोई प्लेयर ने रन मारे होंगे पिछले 2 साल पहले, बट आज कितने रन मारा वो मैटर करता है। तो रोज यू आपको अपने कैनॉट आप को प्रूव करना पड़ता है उसके लिए, यू हैव टू प्रूफ प्रूव करना पड़ेगा, योरसेल्फ। क्योंकि ऑलरेडी देर इज समबडी हु इज मोर हंग्रियर देन यू आउट देयर, जो ज्यादा डेडिकेशन से आया है और यंगर है शायद, शायद ज्यादा ड्राइव है उसके अंदर। एंड यू आर कम्पीटिंग विद देम, यू आर कम्पीटिंग विद सो मेनी अननोन फेसेस, आपको पता भी नहीं आप किससे कम्पीट कर रहे हो, बट आपकी जॉब लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं सामने से 9-10 लोग। तो वाइल देर इज एलिमेंट ऑफ हार्ड वर्क, वो तो गिवन ही है, देर इज एन एलिमेंट ऑफ योर टैलेंट, बट इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ लक, वो तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि लक इज अपॉर्चुनिटी मीट्स टैलेंट। तो आपके पास आप रेडी हो और क्या अपॉर्चुनिटी है, जिस दिन ये दोनों चीजें मिलेंगी आपका टाइम भी आएगा। ये मेरे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेडी रखो अपने आप, अब अपॉर्चुनिटी कब आती है यू नेवर नो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फिल्म, आपने कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, अब वो फिल्म की स्क्रिप्ट शायद आज रेलिवेंट नहीं है, शायद मार्केट रेडी नहीं है, बट यू नेवर नो 5 साल बाद वो फिल्म की स्क्रिप्ट रेलिवेंट सडनली हो जाए, वो इन डिमांड हो जाए। बट दैट डज नॉट मीन कि आप गिव अप कर दोगे, आप वो होप रखो, आप अपनी स्क्रिप्ट इंप्रूव करते रहो, उसे रेडी रखो अपने पास, अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहो। अब कब आपका समय आता है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सो आई थिंक इस अनप्रिडिक्टेबल साइड को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई कितना प्रॉमिस भी कर देगा आपकी फिल्म बनेगी, उससे लेके फिल्म एक्चुअल बनना या वेब सीरीज एक्चुअली बनना इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पे आपकी चीजें रिजेक्ट हो सकती है। तो एज ए सेट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द
इन दिस बास्केट. बी सेंसिटिव वेल राइटिंग बट हैव अ थिक स्किन वेन यू आर गेटिंग फीडबैक और यू आर डीलिंग विद दिस वर्ल्ड. तो डोंट टेक इट पर्सनली. इट इज नथिंग टू डू विद यू. डिप्रेशन में मत जाओ. स्ट्रेस मत लो. होगा स्ट्रेस बट मत लो. कोशिश फाइंड अपने एंकर ढूंढो. जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं भी बहुत स्ट्रेस लेता था. बहुत डिफिकल्ट था शुरू में फीडबैक लेना. बट अब मैं धीरे धीरे अपने एंकर चेंज कर रहा हूँ. सो फॉर मी आई लाइक टू स्टे फिट या आई लाइक टू प्ले विद माई कैट. सो दीज थिंग्स डोंट मेक श्योर दैट मेरा मतलब दिन की खुशी डिपेंड नहीं करती कि आज मुझे कितना रिजेक्शन मिला या कितना सक्सेस मिला. ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है लाइफ में. कंपेयर टू, क्योंकि आप इस दुनिया इस इंडस्ट्री को अपनी सब कुछ बना लोगे, अपनी खुशी का सोर्स और दुख का सोर्स, तो प्रॉब्लम होगी. तो ये कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस है जो आई थिंक हेल्प करेगी किसी को भी अगर इसको इस इंडस्ट्री में आना है. हाँ नहीं, सो यहाँ बहुत यूजफुल है ये सब। तो इसमें करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है फिर? मतलब हम स्क्रीन राइटर के स्क्रीन राइटर ही रह जाते हैं, या कैसे करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं? करेक्ट. वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. सो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग मीडियम्स है, राइट? सो टेलीविजन की जहां तक बात करूँ, तो टीवी में आप शुरू करते हो असिस्टेंट राइटर बन के. तो जब असिस्टेंट होते हो तो पैसे कम मिलते हैं, बट वहां से अगर आपका काम अच्छा लगता है, प्रोड्यूसर्स की नजर में आते हो, तो आप लीड राइटर बनते हो. तो आप मेन राइटर बन जाते हो जहाँ पे आपका टीवी पे नाम भी आता है, क्रेडिट भी आता है. और जब वो बनते हो तो पैसे भी ज्यादा होते हैं, रिकग्निशन भी ज्यादा होता है. सो दिस इज ऑल. मतलब आप टीवी में एक बार लीड राइटर बन गए, तो या तो वो बन के आप पूरी लाइफ अलग अलग टीवी शोज लिख सकते हो. बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा. या सेकेंड ऑप्शन है, आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी विद यू, यू कैन एक्चुअली बिकम अ प्रोड्यूसर जो एक पूरी टीम सेट करेगा, राइटर्स हायर करेगा, पूरा ए टू जेड देखेगा शो का. वो है प्रोड्यूसर. देन प्रोड्यूसर से ऊपर तो क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है. फिर अगर प्रोड्यूसर बन गए तो आप शो बना ही रहे हो खुद पूरा पूरा. दूसरा रूट होता है कि आप चैनल जा सकते हो. तो आप स्टार टीवी, सोनी टीवी, वहां पे एज चैनल एग्जीक्यूटिव रोल प्ले कर सकते हो. तो उनके पास एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं. चैनल का एक कॉर्पोरेट रूट ले सकते हो. आप जो क्रिएटिव साइड अपना ओपन रख के कॉर्पोरेट जर्नी में भी जा सकते हो. वो भी एक तरीका है टेलीविजन. जहां तक फिल्मों की बात है, अगेन सेम आई वुड से, वहां पे एज अ राइटर आप अपनी फिल्म्स या वेब सीरीज की बात भी करो, तो वो पिच करते करते रहिए. आपको एक राइटर्स रूम का शायद एक पार्ट होने का मौका मिल जाए. पहले आप किसी को असिस्ट ही करेंगे. सबसे पहला काम असिस्टिंग ही होता है, जहां पे आपको किसी बड़े राइटर को अप्रोच करना पड़ेगा. वहां से कर करके फिर आप अपनी कहानियां पिच कर सकते हो प्रोड्यूसर्स को, और आपका खुद का शो बन के आ सकता है. तो अगेन आप लीड राइटर बन सकते हो. लीड राइटर बन जाओगे, आपका शो बन गया, उसके बाद आप अगेन प्रोड्यूसर भी बन सकते हो. और दूसरा रूट है चैनल या प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर सकते हो. वो भी एक रूट होता है कि प्रोडक्शन हाउस का एक इंटरनल टीम का पार्ट. ये एक राइटिंग की जर्नीज है हमारे इंडस्ट्री में, स्टेप्स हैं. इन टर्म्स ऑफ जस्ट आई वुड एंड आई वांट टू ब्रिंग इट टू जस्ट नॉट स्क्रीन राइटिंग बट जस्ट बीइंग अ राइटर एज सच, आई वुड स्टिल से देयर तो मल्टीपल मीडियम्स भी आ गए हैं. आजकल लोग यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाते हैं, खुद का कंटेंट लिखते हैं. जैसे भुवन बाम ने शुरू किया था, एक यूट्यूबर है, प्राजक्ता कोहली, ये सब लोग अपने ही स्किट्स बना के वो बना के नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल. तो वो भी एक तरीका है जाने का. तो एज अ स्किल ये मल्टीपल जगह पे यूज हो सकती है. तो क्या ये तो एड ये क्या कॉपी इंडस्ट्री है? इसमें भी स्क्रीन राइटर्स का काम रहता है, जो एड्स बनती हैं, कॉपी राइटर्स का. कॉपीराइट? सो तो जो लोग एड्स लिखते हैं उन्हें कॉपी राइटर्स बोलते हैं. मतलब नॉट जस्ट एड्स, इवन जो आपकी पंच लाइन्स हैं, या जो जो की जो किसी भी जो क्या बोलते हैं ब्रांड के प्रोडक्ट, नीचे जो हाँ, लाइन टैगलाइन होती होती है। है, हाँ टैग हाँ लाइन्स. हाँ, टैग लाइन्स. तो वो सब कॉपी राइटर्स लिखते हैं, राइट? तो वो करेक्ट, वो अपने आप में एक पूरे एक अलग इंडस्ट्री ओके जहाँ पे कोई जा सकता है. सो काफी एड एजेंसीज हैं, ओगिल्वे एंड मैथर और लियो बर्नेट, ओके और ऐसी ऐसी कुछ बड़ी एजेंसीज हैं. वो मुंबई में ही हैं, कुछ तो दिल्ली में भी हैं, बैंगलोर में भी हैं. तो वो उस इनफैक्ट एड एजेंसीज आई डोंट थिंक सब मुंबई में हैं, इवन इन दिल्ली देर आर देर. तो
वो एक ऑप्शन है डेफिनेटली। एंड प्रहलाद कक्कड़ इज लाइक अ लेजेंड एड फिल्म मेकर। ही इज लाइक अ ही इज समबडी हु इज अ सेलिब्रिटी इन द एड वर्ल्ड। ओके तो उनको देख के उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं समझने के लिए कि कैसे लिखते हैं एड्स एंड ऑल। एंड मेनी इनफैक्ट मेनी एड फिल्म मेकर्स ऑल्सो हैव ट्रांजिशन टू बिकम मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स। मतलब काफी उन्होंने पहले एड्स डायरेक्ट की। अच्छा सॉरी एक बात और बताना भूल गई, आप अगर राइटर हैं तो आप राइटर से ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्टर ऑल्सो। तो आप फिल्म डायरेक्टर भी बन सकते हैं क्योंकि वो एक स्किल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं इन अ वे, राइट। तो फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टर के बाद आप मैनी एक्टर्स, आपको एक्टिंग का शौक है एक्टिंग भी जा सकते हो। तो यहाँ पे फिर मल्टीपल लाइंस खुल सकती हैं कहीं भी जा डिपेंडिंग ऑन सकते। योर एंड। तो आपका क्या प्लान है, आप कहाँ जाएंगे? मेरा प्लान है सी मेरा मुझे मुझे डायरेक्ट जरूर करना है डेफिनेटली। ये चीज करनी है मुझे क्योंकि एक डायरेक्शन में एक ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोलर बढ़ जाता है। राइटर होते हो तो अपनी स्क्रिप्ट लिख के आप भेज देते हो आगे, देन डायरेक्टर उसे कैसे एग्जीक्यूट करता है उस पर मैटर। सो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, जो मैंने किया नहीं है कभी, बट कुछ शॉर्ट फिल्म से मैं शुरू करना चाहता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज से मैं शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है काफी, और मुझे कबीर खान काफी पसंद है। जैसे मैंने भी चंदू चैंपियन देखी थी, आपसे बात भी की थी पहले, कि मुझे उनकी भी जर्नी ऐसी रही। सो मुझे कुछ रियल ऑथेंटिक स्टोरीज जो जो असली लोगों की है वो मुझे ज्यादा पसंद आती है, इंस्पायर करती है, रादर देन कुछ मेड अप फैन फिक्शन लार्जर देन लाइफ। इतना मुझे पसंद नहीं आता, रूटेड कहानियां मुझे ज्यादा पसंद है, जो या तो मैं शॉर्ट फिल्म के थ्रू कहना चाहता हूँ या डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू अभी, एंड बाद में जाके फीचर फिल्म के थ्रू। सो ये है अभी प्लान्स। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। नहीं, सब बहुत अच्छा होगा और हमारे व्यूवर्स की भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, एंड यू वुड रीच ग्रेट हाइट्स। और अपने व्यूवर्स को एक राज की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब समझ सोच रहे होंगे कि ये दोनों खेतरपाल कैसे हैं, क्योंकि शर्मा जी का बेटा तो पड़ोस के घर में होता ही है, सबके पास होता है, लेकिन खेतरपाल का बेटा नहीं होता। सो ये मेरे छोटे भाई हैं, मेरे चचेरे भाई हैं संभव खेतरपाल। लेकिन आज जिस तरह से मैंने इनसे बात की है, तो मुझे मालूम नहीं था कि संभव इतना बड़ा हो गया। सो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग संभव, एंड थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर गिविंग मी एंड सो दिस टाइम एंड योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच संभव। थैंक यू, एंड मतलब इट्स एन ऑनर। एंड मैं भी आपके ऑलरेडी आपके व्यूअर्स जानते होंगे कि आप कितनी बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं हम सबके लिए और कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। और ये भी सच है कि एक हम मैं चाहता हूँ जल्दी कोलैबोरेट करें, हमारी कुछ बातें भी चल रही हैं क्योंकि कुछ बिल्कुल कहानी हमने करी भी थी एक बार या एक वागले की दुनिया में हमने एक एपिसोड किया था जिसमें आपके इनपुट्स थे, हाँ, जिसमें और इनफैक्ट जो आपने कैरेक्टर। आपने वो जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम आभा रखा था, एंड इट रियली हाँ टच्ड माय हार्ट। बट वो तो चलो एक छोटे स्केल पे था, बट हम मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली आपकी कहानी, और ये भी पता है मुझे कि आपकी कहानी पड़ी है मेरे पास, इनफैक्ट बहुत रिसेंटली मैंने इसको दोबारा खोला, और आपको शायद पता ना हो आपका एक इंटरव्यू था शायद दूरदर्शन पे किसी तो चैनल पे जहाँ पे आपने बहुत ब्यूटीफुल बातें बताई थी अपने चाइल्डहुड के बारे में जो शायद उस कहानी में भी नहीं थी। आपका पोइट्री का शौक और आपकी जो टीनेज अर्ली टीनेज में जो आपकी जर्नी थी वाइल डीलिंग विद पोलियो जो आपने फेस किया है लाइफ में, मतलब इट रियली ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज एंड बिल्कुल इट रियली टच माई हार्ट। मतलब मुझे लगा ये तो मैं ही बोल सकता हूँ ना, मतलब मेरे पास जैसे आपका पास आपका एक्सेस है मेरे पास, तो ये तो बोलनी ही चाहिए कहानी। तुम डेफिनेटली विल कोलैबोरेट सून, और मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे, ट्रस्ट मी। श्योर, मैं कुछ भी होता मैं टाइम निकालता है इस इंटरव्यू के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू तो सो डोंट मच वरी। संभव, थैंक यू।